प्रणाम आचार्य। प्रणाम गुरुवर। आशीष आशीष। क्या बात है गुरुवर, सब ठीक तो है ना? आप थोड़े विचलित और व्याकुल से प्रतीत हो रहे हैं। बात क्या है, क्या छुपा रहे हैं? क्या क्या प्रयोजन क्या है आपका? हम क्या छुपाएंगे, क्यों छुपाएंगे? नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य है कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? क्या तात्पर्य क्या है आपका? हमें क्या हुआ है? हमें कुछ नहीं हुआ है, स्वस्थ है। हम तो हाथी को ऐसे सींग से पकड़ के ऐसे पटक दे। परंतु आचार्य, हाथी के तो सींग होते ही नहीं ना? दांत तो होते हैं ना महामंत्री जी, हमारे कुछ दांत को सींग कहते हैं, सूंड को पूंछ कहते हैं। आपको कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, इन्हें समस्या नहीं है, परंतु सूंड सूंड होता है और सींग सींग होता है, तो आप सींग को सूंड को सींग कैसे कह सकते हैं? तो आपको समस्या है पंडित रामा कृष्णा? देखिए, हम सींग को सूंड कहें या सूंड को सींग कहें, आपको क्या लेना? नहीं 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 आचार्य, अनुचित है। आप सूंड होती है, आप हमें सिखाएंगे क्या? अरे आप लोग व्यर्थ में ये अनुचित बातें क्यों कर रहे हैं? पगड़ी उठा लेता हूँ, सब तो गए। हमारा तो सर घूम रहा है। भगवान, वैसे गुरुवर, आपका व्यवहार मुझे सुबह से ही कुछ विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। मेरे विचार से आपको राज्य वेद को दिखाई लेना चाहिए। पंडित रामा कृष्णा, देखिए, हमें आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं, अपना परामर्श जो है अपने पास रखिए। जाइए, आप कृपया जाइए। मैं क्यों जाऊँ? मुझे आपसे वार्तालाप करनी है। हमें नहीं करनी आपसे। चुप रहिए, फिर से शुरू हो गए। पंडित रामा कृष्णा, चलिए जाइए। प्रणाम। हाँ प्रणाम। चलिए ठीक है, सब ठीक हो गया, समस्या हल हो गई। गुरु जी, जल्दी से महाराज की पगड़ी उनके स्थान पे पहुंचा दो, नहीं तो आपको नर्क और मुझे स्वर्ग भेज देंगे महाराज। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। महामंत्री जी की पगड़ी? महाराज की पगड़ी कहाँ गई? पता नहीं गुरु जी, की पगड़ी कहाँ गई? महामंत्री, पुलिस इंडियन है, अपनी पगड़ी भी नहीं पहचान सकते। जीवर, आप थोड़े विचित्र प्रतीत हो रहे हैं। पंडित रामाकृष्ण, आप तो ये कहिए कि हम उत्तम प्रतीत हो रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं, अति उत्तम प्रतीत हो रहे हैं, एकदम राजा की तरह। अरे ये क्या था? पंडित रामाकृष्ण, क्या हुआ? क्या शीघ्रता करो, हमें महाराज की पगड़ी वापस लेनी है। पता नहीं किसका सुबह सुबह मुंह देख लिया। गुरुजी कहीं आपका मुख तो नहीं देख लिया सुबह सुबह मैंने? है? हाँ। कौन कितना इंडियन समझदार होते हैं। अरे ऊपर क्या है, पगड़ी? अरे हमारी पगड़ी है। अरे ऐसी पगड़ी तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। पंडित रामकृष्ण, ये तो महाराज की पगड़ी है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि ये पगड़ी आपके शीश पर आई कैसे। परंतु यदि फांसी पर लटकने से बचना है ना, तो हमें यथाशीघ्र इस पगड़ी को इसके उचित स्थान पर पहुँचाना होगा। चलिए चलिए चलिए, हमें विदित है कि आप महाराज की पगड़ी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? अब नहीं ऐसी। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारा प्रपंच आपका ही रचाया हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि आप सुबह से ऐसे व्याकुल होकर क्यों घूम रहे थे। आप ही ने महाराज की पगड़ी चुराई है और फिर हमसे छुपा रहे थे, है ना? है ना? ना, 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 ये क्या प्रलाप कर रहे हैं आप? हमारा पगड़ी से क्या लेना देना है? अच्छा, तो फिर मंत्रीवर की पगड़ी आपके हाथ में क्या कर रही है? बदल गई ना? अरे पंडित रामकृष्ण, आप तो अत्यंत बुद्धिमान है, आपने सारी परिस्थिति का सही से आकलन किया है। इसे कहते हैं बुद्धि, इसे, है ना? है ना? है ना गुरुजी? देखा देखा, परंतु आचार्य, ये पगड़ी आपके पास आई कहाँ से? मंत्रीवर, इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे, परंतु हमें यथाशीघ्र इस पगड़ी को इसके उचित स्थान पर पहुंचाना बहुत आवश्यक है। यदि महाराज को ज्ञात हो गया कि उनकी प्रिय पगड़ी लुप्त हो गई है, तो हम में से कोई नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ। पगड़ी दीजिए। सब चौपट कर दिया। ये
यदि महाराज ने हमारे अंग वस्त्र में पगड़ी देख ली तो तुम्हारे अंग अंग कटवा कर गिद्धों को खिला देंगे। देखिए, यदि किसी ने हमें पगड़ी के साथ देख लिया तो सब समझेंगे कि चोर हम हैं, हमने पगड़ी चुराई। सत्य वचन गुरु जी, सत्य वचन। आप लोग व्यर्थ ही घबरा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आचार्य दिखेंगे तब कुछ होगा ना। अर्थात अर्थात सब धोखा है, पगड़ी पूरे राजमहल में चली गई। पंडित रामा कृष्णा, यदि हमें कुछ हुआ ना तो श्राप दे देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी, यदि आपके हाथ ही नहीं होंगे तो कैसे श्राप देंगे आप? हो सकता है आपके हाथ ना कटे, हो सकता है महाराज आपको सीधे फांसी चढ़ा दें। मूर्ख, हम डरा क्यों रहे हो? हम तो पहले डरे हुए। अरे हम पूछ रहे हैं क्या हुआ, यही तो हम पूछ रहे हैं नगर कोतवाल, क्या हुआ? ये आप लोगों ने बीच में छुपा किसे रखा है? आचार्य तथाचार्य को कह के उन्हें बंदी बनाया है ना, फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं। क्या पंडित रामा कृष्ण, आप ही उपहास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं ना, है ना? नगर कोतवाल, दांत दिखाना बंद कीजिए। नगर में चोर के घुसने की सूचना मिली है, उस चोर को तुरंत पकड़िए और हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। जी मंत्री जी। हाँ। क्या युक्ति लगाई? वो आचार्य जी को देखने के बाद हमें चोर की युक्ति सूझी। आपके कहने का अभिप्राय क्या है? हम आपको चोर दिखाई देते हैं। अरे इस वाद विवाद में पड़े रहे तो हम सब पकड़े जाएंगे। हाँ। चलिए आप आगे देखिए, हम पीछे देखते हैं। जी गुरु जी। भगवान, हे भगवान, पंडित रामाकृष्ण, ये बोझ हम और नहीं उठा सकते। जैसे हमारी आत्मा कांप रही है वैसे हमारे हाथ भी कांप रहे हैं। महाराज ने यदि हमें इस पगड़ी के साथ देख लिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। आप संभालिए इसे। अरे और आप इसे रखिए। पगड़ी अच्छा, तो आप यहाँ खड़े होकर शीतल पवन का आनंद ले रहे हैं। महाराज, हमने आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। वहाँ आपकी प्रतीक्षा करते करते हम तो सूखकर आधे हो गए हैं। महाराज, आप हमसे प्रेम नहीं करते? हट हट हट। ए, आचार्य क्या कर रहे हैं? ये महाराज की पगड़ी नहीं गिरी, ये हमारे शीश गिरे हैं, हमारे धड़ से कटकर। भगवान, अब क्या करें? ये महारानी किससे बात कर रही? ये तो महारानी तिरुमलम्बा है ना? हाँ? झाड़ पर पगड़ी देखकर अवश्य उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि महाराज वहां छिपे खड़े। अच्छा? हाँ। हम उन्हें बता देते हैं कि वह महाराज नहीं है। तू और क्या कर रहे हैं? कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर ही कुल्हाड़ी पर मार लेंगे क्या? क्या तात्पर्य है आपका? ये
यदि महारानी तिरुमालंबा को ये विदित हो गया कि पगड़ी के नीचे महाराज नहीं है तो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी ने महाराज का अपहरण कर लिया है और फिर तो नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो शोर मचाएंगे और यहाँ भीड़ एकत्रित हो जाएगी और फिर तो इस घटना का सबको पता चल जाएगा ना। सही कह रहे हो हे भगवान, क्या करें क्या करें। चलिए चलिए आइए मंत्री बनाइए। महाराज आप कुछ कहते क्यों नहीं? महाराज आप तो हमें भूल गए, तो क्या हम ये समझे कि आप हमसे प्रेम नहीं करते? महाराज यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमें इसी क्षण अवगत कराइए, हमें अनुभव कराइए कि आप हमसे प्रेम करते हैं। महाराज कमल के अंदर अभी देखता हूं। मेरी आंखों में देखो, अब महल जाओ और राजा कृष्णदेव राय की पगड़ी मुझे लाके दो। कृष्णदेव राय की पगड़ी जा। पंडित रामकृष्ण, हाँ वो रही पगड़ी। महारानी का ध्यान पगड़ी की तरफ नहीं है, दूसरी ओर है। हाँ आप एक काम कीजिए, आप पीछे से जाकर पगड़ी उठा लीजिए। हाँ ठीक है मंत्री बस। महारानी तिरुमलम्मा ये रो क्यों रही है, हुआ क्या है इन्हें? महाराज भी यहाँ? क्या बात है पंडित रामा कृष्णा, रुक क्यों गए, पानी उठाओ। देखिए यहाँ महाराज तो है नहीं, यहाँ तो मातम की पगड़ी है, वो भी झाड़ियों में फंसी हुई। पगड़ी उठा ली। महारानी तिरुमलम्बा, महाराज ने हमें बिना बताए प्रस्थान कर लिया, इसका तात्पर्य है कि महाराज हमारा परित्याग कर रहे हैं, महाराज हमसे प्रेम नहीं करते। महारानी चिन्ना देवी, महाराज कहाँ गए? महाराज कहाँ है माँ छोटी महारानी? वहाँ तो मात्री है, पगड़ी थी। हे भगवान, इस पगड़ी के नीचे से महाराज का किसी ने अपहरण कर दिया है। महाराज का अपहरण हो गया। देखा मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा, वही हुआ। महाराज का अपहरण हो गया। शांत हो जाइए महारानी तिरुमलम्बा, शांत हो जाइए, महाराज को कुछ नहीं हुआ है। महाराज बिल्कुल ठीक है, वो तो दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, परंतु आप बताइए आप इस पगड़ी के साथ यहाँ कर क्या रही हैं? अरे हमें क्या पता, हम तो साक्षात महाराज से बात कर रहे थे। छोटी महारानी आपको इस बात की कल्पना भी है, यदि महाराज को ये पता चल गया कि आप उनकी ये पवित्र पगड़ी यहाँ लेके आई थी तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। महारानी चिन्ना देवी हम पहले से ही दुखी हैं, हम तो महाराज से बात करने आए थे, हमें क्या पता पगड़ी कहाँ से आई। देखिए छोटी महारानी ये समय रोने का नहीं है, वो सोचने का है ये पगड़ी यहाँ कैसे आई, जैसे भी आई। हाँ लेकिन महाराज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ आई है, इस पगड़ी को पुनः इसके स्थान पर रखना होगा। चलिए चलिए यहाँ से। ये भी अति उत्तम हुआ कि अब हमारा कार्य दोनों महारानियां संपन्न करेंगी और हमारे प्राणों से संकट टला। सत्य कहा पंडित रामकृष्ण, बच गए, संकट टल गया। गुरुजी अभी संकट टला नहीं है, जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे तब जाके संकट टलेगा। हाँ हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें देख ले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। चलिए राज मुकुट अर्थात महाराज की प्रिय पगड़ी का प्रश्न है,
हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वो पगड़ी अपने सही स्थान पर पहुंची या नहीं। हम ऐसे पलायन नहीं कर सकते पंडित रामकृष्ण। क्यों नहीं कर सकते? अरे अपने प्राण बचाओ, हमें क्या लेना देना है, पगड़ी जाने महारानिया जाने, चलो चलो। हाँ गुरु जी, बड़ी कठिनाइयों से मनुष्य का जीवन मिलता है, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना कीजिए, जल्दी से प्रस्थान कीजिए, सभी लोग जल्दी से प्रस्थान। नहीं, कदापि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी विश्वसनीयता और महाराज के प्रति निष्ठा हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। आपका कथन सत्य है मंत्रीवर, चलिए चलते। हाँ हाँ चलिए जल्दी। अरे पंडित रामकृष्ण, चलिए चलिए गुरु, चलिए गुरुजी। अच्छा महाराज, आप तैयार हो गए? जी महारानी जी, हो गए तैयार। पंडित रामकृष्णा, वहां क्या कर रहे हैं आप? यहां आइए जाइए। अरे अभी चलिए। अरे आपको बुलाया है, आपको भी बुलाया है, अब चलिए चलिए। प्रणाम महाराज। महाराज कीजिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। पंडित रामकृष्णा, हमें भली भांति ज्ञात है कि हमारी पगड़ी के साथ क्या होने वाला है। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? आपका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य अत्यंत सरल है पंडित रामकृष्णा, वही है जो हम कह रहे हैं। हमें भली भांति ज्ञात है कि हमारी पगड़ी के साथ क्या होने वाला है। गुरुवर, ए बंधु, अब तो तू गया रामा, इन सब लोगों के कारण तू भी फंस गया। हमने कुछ नहीं किया महाराज, विश्वास कीजिए महाराज। ये मनी ने नहीं महाराज, इसमें जो भी कुछ किया धरा है गुरुजी का किया धरा है गुरुजी। शांत शांत हो जाइए, हमें भली भांति पता है कि हमारी पगड़ी किन किन हाथों से गुजर कर कहां जाने वाली है। हमने हमारी पगड़ी के प्रतिरूप बनाने की व्यवस्था कर ली है, ताकि वो राज्य के प्रत्येक घर में प्रदर्शित हो सके। क्यों, विचार अच्छा है ना? हाँ महाराज। अद्भुत। लीजिए, हम राज दरबार जाने के लिए तैयार हो गए। आई बस जी। अब हमारे दादाजी की पगड़ी कहाँ है हमारी? कहाँ है पगड़ी? कहाँ है पगड़ी? कहाँ है पगड़ी? गुरुजी पगड़ी कहाँ है? कहाँ है पगड़ी? पगड़ी कहाँ है हमारी? हम पूछ रहे हैं हमारी पगड़ी कहाँ गई? पगड़ी कोई समझ नहीं पाएगा सब धोखा है। अगर पगड़ी नहीं मिली तो विजयनगर की इज्जत मेरे देश के सामने कुछ नहीं रह जाएगी। हमने आपको पूर्व में ही सतर्क किया था कि आप पगड़ी नहीं संभाल पाएंगी, परंतु आपने हमारे कथन पर विचार ही नहीं किया। अब बताइए कहाँ है पगड़ी? महारानी चिन्ना देवी, हमारी पगड़ी आपके हाथ में कैसे पहुंच गई? महाराज, पगड़ी हमारे हाथ में नहीं थी, महारानी तिरुमलम्बा आपकी पगड़ी से वार्तालाप कर रही थी उद्यान में झाड़ियों के बीच में। महारानी तिरुमलम्बा हमारी पगड़ी से वार्तालाप कर रही थी? नहीं महाराज, हम तो साक्षात आपके साथ वार्तालाप कर रहे थे। परंतु हम बगीचे में गए कब थे? हम तो यही हैं। नहीं महाराज, आप नहीं,
मात्र आपकी पगड़ी थी वहाँ पर। ये आप किस प्रकार हमें भ्रमित कर रही हैं? पगड़ी वहाँ कैसे पहुँच गई? खुद चलकर गई क्या वो? हाँ महाराज, ये भी संभव है। मंत्रीवर, महाराज, हमें वो पगड़ी वापस हमारे शीश पर सुशोभित चाहिए, वो भी आज रात्रि से पूर्व, अन्यथा हम आप सभी को फांसी दे देंगे।